नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज जेल से औपचारिक रूप से रिहा हो गए। जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल रिहाई हरियाणा की राजनीति में काफ़ी असर डालने वाली है। इसका असर पूर्ण रूप से जाट राजनीति पर पड़ेगा। राजनीति को जानने वाले राजनीतिज्ञों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सक्रिय होने से कांग्रेस को भारी नुकसान होने की आशंका जताई है। इसका एक बड़ा कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। इसलिए भाजपा का भी ये मानना है कि इस समय जाट राजनीति दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसके कारण राजनीतिक रूप से इनको ये लाभ मिल सकता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है और उनकी नज़र में ये भी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद सभी दल प्रभावित होने वाले हैं और इसका एक बड़ा लाभ भाजपा को हो सकता है। भाजपा की जाट राजनीति भी काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका लाभ मिलने वाला है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने के आने के बाद जाट राजनीति चौटाला और हुड्डा के बीच बढ़ सकती है। ऐसे में भाजपा को गैर जाट राजनीति में खुद को मजबूत करने के लिए मौका मिल सकता है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के पोते और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला पहले ही भाजपा के साथ हैं। ऐसे में कम ही सही लेकिन जाटों का एक समूह समर्थन के रूप में चौटाला को हासिल होगा। हालांकि चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन राजनीति में राज्य की राजनीतिक स्थिरता हमेशा डगमगाती रहती है, क्योंकि भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार जजपा के समर्थन पर टिकी है। वहीं किसान आंदोलन के चलते भाजपा व जजपा के बीच भी तनाव बढ़ा है। खैर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चौटाला फिलहाल पैरोल पर बाहर थे और आज औपचारिक तौर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आप देख रहे हैं पल-पल की एक खास रिपोर्ट। We'll be right back.